उर्वी को हमेशा से ही अजीबोगरीब कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। उसे ऐसे कपड़े बनाना और पहनना बहुत अच्छा लगता था। यही कारण थी कि वो लोगों में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। मम्मी जी, देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, बताओ जरा। तूने कपड़े पहने भी हैं बहू, जो हम तुम्हारी ड्रेस देखें। ये क्या पहना है, देखो ना। अगर 32 नंबर का चश्मा भी लगाकर देखे ना, तो नहीं दिखाई देगा ये कपड़ा जो तुम पहनी हो। कपड़े के नाम पर तो तुम चिंदी लपेट कर घूमती हो, फिर उसको फैशन कहती हो। ओ माँ जी प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। पता है दुनिया दीवानी है मेरे इस फैशन की। तभी पड़ोसन कमला वहाँ पे आती है। दुनिया का तो पता नहीं बहू रानी, मोहल्ले के लड़के जरूर तुम्हारी अदाओं पर जान छिड़कते हैं। कोई कलेजा तो कोई जान बोलते हैं। ये क्या बकवास है आंटी जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अरे तुमको कपड़े पहनने में शर्म नहीं, तुम बताने में क्यों शर्म करे? कल ही हमारे बेटे के मोबाइल से तुम्हारी फोटो बरामद हुई है, चटनी की तरह कुटाई हुई है उसकी, कल उसकी बीवी से। ओ इतनी जेलस होती है आपकी बहू मुझसे। कमला की ही नहीं उर्फी, हम सबकी बहू, कहीं गलती से इन कपड़ों में मोहल्ले में न दिख जाना, वरना हमारी बहुएं भूखी कुतिया की तरह तुम्हें नोच लेंगी। बहुत गुस्सा है तुमसे वो। देख लिया, अब ये सब बेशर्मी बंद कर दे बहू। ना माँ जी, ये तो मेरा ट्रेडमार्क है, मैं अपने कपड़ों के कारण ही जानी जाती हूँ। अगर ये कपड़े नहीं पहनूंगी तो कोई मुझे कैसे जानेगा? तुझे समझाने का मतलब है कुत्ते की पूंछ में पाइप डालकर सीधा करने की कोशिश करना, जबकि हमको पता है दोनों ही बेकार है। तो ना करो ना बेकार की कोशिश, जाने दो मुझे। फिर उर्फी वहाँ से चली जाती है और शहर के लोग उर्फी पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। वहीं उनके पति अपनी अपनी छत और खिड़कियों से उर्फी की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। फिर एक दिन, ए नैना, ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? भैया आजकल तो इसी का ट्रेंड है, कॉलेज जा रही हूँ। अरे जाके सलवार सूट पहन, बड़ी आई ट्रेंड का फॉलो करने वाली, चल। आप कौन होते हैं मुझे कपड़ों में ढककर रखने वाले? मेरा शरीर जो मैं पहनूं, वैसे भी आजकल तो ये कॉमन है। फिर नैना वहाँ से चली जाती है। अब आए दिन लड़कियाँ अपने अपने घरों में झगड़ा वगड़ा करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहना करती हैं और किसी की बात नहीं सुनती। और ये कपड़े पहन के वो सड़कों पे उतर आती हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं शहर में गलत गतिविधियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब तो उसी उर्फी को सबक सिखाना होगा, जिस कारण हमारे घर की औरतों पर बुरा असर पड़ रहा है। अरे सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल। इसके बाद मोहल्ले की औरतें और कुछ आदमी उर्फी के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। वहीं उर्फी अपनी छत पर खड़ी होकर नाच रही होती है। मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी कर ले हा नशा, दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की हर एक बात नशीली, हाँ तू भी कर ले नशा, मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा। उर्फी कहाँ है? नीचे आ, तेरा नशा तो हम उतारेंगे आज। जल्दी बाहर आ, हम तेरा खून पी जाएंगे आज। क्यों री रंजना की बहू चुड़ैल बन गई है क्या, जो मेरी बहू का खून पिएगी? क्या है, क्यों भीड़ लगाए हो यहाँ पर सब तुम? हम वार्निंग देने आए तेरे को, सुधर जा वरना तेरे हाथ पैर तोड़कर घर में बैठा देंगे, फिर अपने कपड़ों की गर्म पट्टी बंधा के अपने बदन पे बांध के फिरती रहना। तुम्हारे कारण हमारे समाज पर कितना बुरा असर हो रहा है। वही सभी लोग उर्फी पर बहुत ज्यादा भड़कते हैं और उसके घर पर पत्थर वगैरह भी फेंकते हैं। रुको, रुक जाओ सभी, प्लीज आप लोग यहाँ से जाओ और हंगामा मत करो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। वही लोगों के डर से उर्फी छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है और अब वो साड़ी पहनने लगती है।
और छोटे छोटे कपड़ों को पहनना बिल्कुल बंद कर देती है और पूरी तरह से सुधर जाती है। भारतीय नारी साड़ी में लगे संस्कारी, अब लग रही है तू हमारी बहुरिया। एक बार की बात है, एक पति पत्नी कार से घूमने जा रहे होते हैं और रास्ते में उनका झगड़ा हो जाता है। आदिल, मैंने कह दिया ना तुम उस लड़की से बात करना बंद कर दो, तो अब बात मत करो उससे। तभी आदिल गुस्से से राखी को कार के बाहर निकाल कर उसे थप्पड़ मारता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, यहीं पड़ी रहो फुटपाथ पर। फिर आदिल राखी को अकेले सड़क पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ जहाँ जाना है। अब तो मेरा कोई घर भी नहीं है, मेरा पति मुझे यहाँ कचरे की तरह फेंक कर चला गया। तुम लड़की हो, कचरा नहीं हो, जो कोई भी तुम्हें फेंक कर चला जाए। तुम मेरे साथ चलो, देखना एक दिन वो ठुकरा कर तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इंतकाम देखेगा। फिर उर्फी राखी को अपने घर ले जाती है जहाँ वो राखी की खूब खातिरदारी करती है। उसे वहाँ बिल्कुल भी अजनबी वाला फील नहीं होता। एक बात बताओ उर्फी, मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी थी और तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपने घर में जगह क्यों दे दी? जब मैं बेशरम थी तो कोई मेरा सहारा नहीं बना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का सहारा बनूं। बस इसलिए इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। ऐसे ही दिन बीतते हैं, साथ रहते रहते दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। उर्फी तू कितनी मस्त मस्त राप्चिक ड्रेस पहनती है, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए, कहाँ से लाती है? ये मैं खरीदती नहीं, बनाती हूँ, आज तुझे भी सिखाती हूँ। फिर उर्फी राखी के पुराने कपड़े उठाकर उन पे कैंची चला देती है। ओ शिट, ये तूने क्या कर दिया? देखती जा बस, ये ले अब जल्दी से इसे पहन कर आ। तभी राखी उर्फी की बनाई हुई ड्रेस पहन के आती है। ओ माय गॉड, मैं तो लग रही हूँ एकदम हूर की परी, कितनी बोल्ड ड्रेस है, इसमें तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। चल अब जल्दी से एक रील बनाकर उस उल्लू के पट्टे तेरे पति को भेज दे। ठुकरा के मेरा प्यार, तू मेरा इंतकाम देखेगा। वही राखी ये वीडियो बनाकर आदिल को भेजती है, साथ ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर देती है। जिसके बाद देखते ही देखते राखी की वीडियो वायरल हो जाती है और लोग उसे खूब प्रोत्साहित करते हैं। वही आदिल जल भुन के राख हो जाता है। अरे वाह राखी, तू तो छा गई, इस बात पर सेलिब्रेशन हो जाए। फिर दोनों पार्टी करती है और साथ में ढेर सारे गानों पर डांस करती है। चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पर जलते अंगार ले लूंगी मैं। आज तो मजा ही आ गया रील बनाकर। सच में यार उर्फी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से तो सारे गम ही भूल गई हूँ मैं। इसके बाद राखी और उर्फी दोनों साथ मिलके अतरंगी अतरंगी कपड़े बनाती हैं और साथ में ढेर सारी रील्स बनाती है। जिससे बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं तो बहुत से लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, जिस कारण दोनों सोशल मीडिया के जरिए बहुत पैसा कमाती हैं। यार राखी, जितनी जरूरी मैं तेरे लिए थी उतनी जरूरी तू मेरे लिए, देख हम दोनों के मिलते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है और आज उसी की बदौलत हम कितने अमीर हो गए हैं। हाँ यार, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी अमीर होंगी कि मेरे पास खुद की गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस होगा। इतना तो तेरा पति भी नहीं कमाता होगा जितना तू दिन में उड़ा देगी अब। बात तो तेरी सही है, लेकिन इस पैसों से हम गरीबों की मदद करेंगे, उड़ाएंगे नहीं इन्हें। वही राखी और उर्फी दोनों मिलकर अपने कमाए पैसों से लोगों की मदद करती है। वही वो अपने अतरंगी फैशन के जरिए दुनिया भर में फेमस हो जाती है। वही जब आदिल को ये बात पता चलती है तो वो भागा भागा राखी के पास आता है। आप कौन? अरे मैं राखी मैडम से मिलना चाहता हूँ।
अरे जाओ अपॉइंटमेंट लेके आना, वैसे भी मैडम अभी बाहर गई हैं। तभी राखी कार से वहां आती है। अरे राखी, राखी सुनो ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तुमने अगर मेरी औकात मुझे ना दिखाई होती तो तुम्हें तुम्हारी औकात कैसे पता चलती। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। और दोनों सहेलियाँ हंसी खुशी रहने लगती हैं। अब तो तू आजाद हो गई, चल फिर पार्टी करते हैं। वही दोनों कमरे में जाकर फिर से रील बनाने लगती है। सूरज डूबा है यारो, दो घूट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घूट नशे के मारो, हम तुम भुला दो सारे संसार को। इस तरह उर्फी और राखी दोनों रील बनाकर खूब पैसे कमाती और नाम भी कमाती है, और दोनों हंसी खुशी साथ में रहती है। सौतन बहू की कहानी। नीलिमा की शादी को 4 साल हो चुके थे। नीलिमा और सुबोध बड़ी ही हंसी खुशी रहा करते थे। बहू क्या हुआ, 4 साल हो गए, कब तू खुशखबरी सुनाएगी? मेरे कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। माँ, मैं और सुबोध जी कोशिश तो कर रहे हैं, जब हो जाए वही सही है। ऐसे कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन नीलिमा माँ नहीं बन पाती। कौन है? आ रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी सौतन। क्या बकवास है ये, निकलो यहाँ से, पता नहीं कौन है, मुंह उठाकर चले आते हैं। आने दे उसे इस घर में। क्यों माँ जी, कौन है ये? ये सुबोध की पहली बीवी है, जिसे हमने घर से निकाल दिया था। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया? धोखा नहीं दिया, बस सच्चाई नहीं बताई तुझे। आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, और जब इसे आपने यहाँ से निकाल दिया था तो अब ये क्या लेने आई है यहाँ पर? मैं अपने आप से नहीं आई हूँ यहाँ पर, सासू माँ ने मुझे बुलाया है। माँ जी आपने ऐसा क्यों किया, मेरा हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद करने पर लगी हो आप? परिवार वो तो तेरे पास है ही कहाँ, तू तो बांझ है। परिवार उसका होता है जिसके पास बच्चा हो, और ये मेरी पहली बहू के पास है। जब इसके पास बेबी था तो आपने इन्हें घर से क्यों निकाला? क्योंकि सानिया भी सालों से माँ नहीं बनी थी, जिसके कारण हमें लगा कि अब माँ नहीं बन सकती, और हमने इसे घर से निकाल दिया। और हमें ये नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, और उसी के कुछ समय बाद हमारा बेबी हुआ। लेकिन इसके बाद सानिया इसे लेके दूर जा चुकी थी। और कुछ दिनों पहले मुझे अचानक से सानिया बहू मिली, और इसके पास हमारे घर का चिराग देखकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब दरोगा बनकर सवाल जवाब पूछना बंद करेगी या नहीं? आप लोग जो भी कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अब इस घर में रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझी मेरी जान? चलो सानिया डार्लिंग, हमारे कमरे में। और सुन मेरी सौतन, अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर ले। सानिया और उसके बच्चे के घर में आ जाने से नीलिमा की इज्जत उस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं रह गई थी। सभी उससे बहुत ही बदसलूकी से बर्ताव करते, सबसे ज्यादा तो सानिया। साथ ही नीलिमा ही घर का सारा काम भी करती। इसके बावजूद भी सानिया और सास उसे चैन से रहने नहीं देते घर में। माँ जी, अब जब मैं इस घर में आ ही गई हूँ तो आपने इस दो कौड़ी की औरत को घर में क्यों रखा है? करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है, बच्चा नहीं तो क्या हुआ, दौलत तो देके ही जाएगी। ये सही है, मेरा पति बहुत सोच समझकर मेरे लिए नई सौतन लेकर आया है। इन भिखारियों की संपत्ति को तो लूटूंगी ही, और इस सौतन को भी कंगाल करके जाऊंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और एक दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी आउच, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ तो पानी भी नहीं है, दवा कैसे खाऊं? फिर नीलिमा पानी लेने किचन में जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि सानिया किसी आदमी से बात कर रही होती है। मेरी जान तुम चिंता मत करो, एक तीर से दो शिकार करूंगी, इन गरीबों की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी अमीर सौतन की प्रॉपर्टी भी हत्या कर ही आऊंगी, फिर तुम और मैं और हमारा बच्चा सुकून से रहेंगे। अच्छा तो ये बात है। तभी नीलिमा चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेती है और घर की लाइट भी चला देती है, जिससे सानिया और उसका दूसरा पति पकड़े जाते हैं। देख लीजिए सुबोध जी और सासू माँ इसकी सच्चाई, ये बच्चा सुबोध जी का नहीं बल्कि इसके दूसरे पति का है, ये तो बस बदला लेने आई है यहाँ पे। झूठ मत बोल नीलिमा। यकीन नहीं होता ना, ये वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। इसके बाद नीलिमा सानिया और उस आदमी का वीडियो उन्हें दिखाती है, जिसमें दोनों घर वालों को लूट कर फरार होने की बातें कर रहे होते हैं।
तुझे फिर से अपना कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने दूसरे पति का बच्चा लाके मुझे कहती कि मेरा खून है, और मैं इतना पागल कि मैं तेरी बातों में आ गया और अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया तेरे लिए। दफा हो जाए यहाँ से। तुमने मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए अपनी पत्नी छोड़ी है। तुझे तो मैं अब पुलिस के हवाले करती हूँ। फिर सास पुलिस को बुलाकर सानिया को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। एक मिनट इंस्पेक्टर सर, मैं अपने पति और सास के खिलाफ भी कम्प्लेन करवाती हूँ, इन्होंने बच्चे के लिए मुझे टॉर्चर किया है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। वहीं डॉक्टर आके नीलिमा का चेकअप करती है तो पता चलता है कि नीलिमा प्रेग्नेंट है। बहू हमें माफ कर दे प्लीज, ये कम्प्लेन वापस ले ले। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। अपने बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी, इस पे आप जैसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। सास और सुबोध दोनों को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, क्या पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में।